झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर राज्य स्तर पर नियमित दैनिक सफाई कर्मियों के अलावा कार्यालय कर्मी लंबित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। देवघर में 600 से ज्यादा नियमित और दैनिक वेतन भोगी के अलावा नगर निगम देवघर कार्यालय के कर्मी हड़ताल में शामिल होंगे। कर्मियों की 5 मांगे हैं, एक मुश्त दैनिक वेतन भोगी और अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के स्थापना मद में किए जा रहे अनुदान और ऋण 70% को बरकरार रखा जाएगा। निकाय में कार्यरत तमाम दैनिक कर्मी अनुबंध कर्मी के क्रियाकलाप को देखते हुए 20 लाख का बीमा निकाय अपने स्तर से कराए और साथ ही निकाय में पुरानी पेंशन योजना लागू कराई जाए, ये उनकी मांगे हैं। राज्य के सभी निकाय से प्राइवेट एजेंसी को सफाई कार्य से हटाया जाए और विभाग अपने स्तर से कार्य कराए। और देवघर से हमारे संवाददाता दीप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल हो रहा है इसके बारे में क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, झारखंड लोकल बॉडी एसोसिएशन के द्वारा, फेडरेशन के द्वारा जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। पूरे झारखंड में नगर निगम के सफाई कर्मी जो है और कर्मी जो है वो अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। और अभी जहां मौजूद हैं हम, ये देवघर नगर निगम का कार्यालय है और हम आपको सबसे दृश्यों के माध्यम से सबसे पहले दिखाते हैं कि ये जो तमाम कर्मी हैं यहाँ पर, फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और काम का जो है वो पूरी तरह से ठप है। इनकी 5 सूत्री मांगे हैं और लगातार इन मांगों को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। कई बार आवेदन दिए गए हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया गया है, लेकिन अगर इन्हें कुछ मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है। अब इन आश्वासन के बाद जो है, अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। और ये फेडरेशन के अध्यक्ष हैं संजय मंडल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप कर्मियों के साथ हैं, हड़ताल की घोषणा आपने ने कर दी है, हड़ताल भी असरदार देखा जा रहा है, क्या है वो 5 सूत्री मांगे और अब आप लोग को ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये हमारी मजबूरी है, हम बाध्य हैं, हम सरकार से बरसों से मांग करते आ रहे हैं कि हम लोगों का जो 5 सूत्री मांग है, जो 10 साल से दैनिक वेतन भोगी कर्मी है इनको अस्थायी करने की मांग है। जो अस्थाई कर्मी है उसको वेतन मंद में सरकार 70% आवंटन देती थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि उसको बरकरार रखा जाए। पेंशन कर्मी है जिसको कि कर्मचारी रिटायर होने के बाद उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है, उसको भी यहाँ पर पेंशन देने में आनाकानी होती है। हम लोगों की मांग है कि पेंशन सरकार अपने मद से वो पेंशन का भुगतान करे। और जो आउटसोर्सिंग सरकार बढ़ावा दे रही है कि आउटसोर्सिंग से काम कराया जाएगा, हम लोग इसके विरोध में है कि आउटसोर्सिंग से आप काम कराना बंद कीजिए और ये जितनी भी आउटसोर्सिंग का सफाई काम करवा रहे हैं उसको आप विभागीय अपने स्तर से काम कराए। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में पूरे राज्य के कर्मचारी आह्वान पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोगों की मांगों को सरकार अब मान नहीं लेती है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे, हम लोग वापस नहीं आएंगे। देखिए, ये संजय मंडल थे, फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जिला के, और इनका तमाम साफ साफ कहना है कि जो 5 सूत्री मांगे हैं और ये जो 5 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर लगातार आंदोलन किया जाता रहा है। निगम में कई बार आवेदन दिए गए हैं, सरकार को आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अगर इन्हें कुछ मिला है तो सिर्फ आश्वासन। अब आश्वासन के बदौलत आप कह लीजिए कि 10 साल का ये लंबा समय हो गया है। नारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।